तो अभी लास्ट वीडियो में जब हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे तब हमें 1000 लाइंस ऑफ कोड टाइप करने थे और तब हमें रियलाइज हुआ कि हम कितना स्लो टाइप करते हैं। तो हमने तभी डिसाइड किया था कि अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ हम लोग बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जाके हमने अपनी करंट टाइपिंग स्पीड मेजर की। जो कि 31 वर्ड्स पर मिनट आई। अब अगर इसको हम वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करें तो हम बिलो एवरेज आते हैं। तो इस वीडियो के लिए हमने 70 वर्ड्स पर मिनट का टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करने के बाद हमने यूट्यूब पर सर्च किया कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें टच टाइपिंग मेथड के बारे में पता चला। अब आप में जिन लोगों को टच टाइपिंग मेथड के बारे में नहीं पता है उनको हम बताते हैं। टच टाइपिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जो प्रोफेशनल टाइपिस्ट यूज़ करते हैं, और इस मेथड में हम अपनी पूरी फिंगर्स का यूज़ करते हैं टाइपिंग करने के लिए। अब इस मेथड में हम सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाते हैं, आप अपने हैंड्स को कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं, फिर अपनी लेफ्ट वाले इंडेक्स फिंगर को F की पर प्लेस करते हैं और राइट वाले इंडेक्स फिंगर को J की पर, और अपनी बाकी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं। और इतना करने के बाद अब हम अपनी पूरी फिंगर्स का यूज़ करते हैं टाइपिंग करने में। बस टाइपिंग करते वक्त हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम कीबोर्ड को नहीं स्क्रीन को देखें। तो टच टाइपिंग सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब तक हम बस अपनी दो ही फिंगर्स का यूज करते थे टाइपिंग करने के लिए, प्लस हम टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को देखते थे। तो अब हमें अपनी फिंगर्स में इतनी मसल मेमोरी बिल्ड करनी है ताकि हम बिना कीबोर्ड को देखे अपनी पूरी फिंगर्स के साथ टाइप कर पाए। और मसल मेमोरी बिल्ड करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये typingclub.com करके एक वेबसाइट है इसका यूज़ किया, और इसको सिलेक्ट करने के दो रीज़न थे। पहला, इसमें सारे लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में थे, प्लस ये फ्री भी थी। तो हमने धीरे धीरे लेक्चर्स फॉलो करते हुए प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो जैसे ही हमने टच टाइपिंग यूज़ करना शुरू करी, हमने अपनी टाइपिंग स्पीड में एक सडन ड्रॉप देखा, और हमारी टाइपिंग स्पीड जो कि 31 हुआ करती थी वो 19 वर्ड्स पर मिनट में आ गई, क्योंकि हमारे फिंगर्स की मूवमेंट बहुत स्लो थी। बट हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए और फिर हमने अपनी टाइपिंग स्पीड में इंक्रीमेंट देखना चालू किया, और स्लोली स्लोली हमारी टाइपिंग स्पीड बेटर होती जा रही थी, और जल्दी ही हमने 40 वर्ड्स पर मिनट का मार्क हिट किया। और 40 का मार्क हिट करने के बाद हम बहुत मोटिवेट हुए, तो हमने और हार्ड प्रैक्टिस करना चालू कर दी। और प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा पॉइंट आया जहां हम रुक गए, क्योंकि नो मैटर हम जितना चाहे हार्ड ट्राई करते, हम 50 का मार्क क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें पता था कि हम जब कभी भी कोई नई स्किल सीखते हैं, ऐसा टाइम आता है जब हम कोई प्रोग्रेस नहीं देखते हैं और हमें उसे छोड़ने का मन करता है। इसी टाइम हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसी के बाद हम रियल प्रोग्रेस देखते हैं। तो हमने बिना हार माने फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर दी, और फिर फाइनली जाके हमने 50 का मार्क क्रॉस किया। और इस पॉइंट तक आते आते हमारी फिंगर्स इतना यूज्ड टू हो गई थी कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि कीबोर्ड हमारे हैंड का ही पार्ट है, हमें टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को देखने तक की जरूरत नहीं पड़ रही थी। और ये देख के हम बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि डे वन पर हमें लग रहा था कि हमसे ये कभी नहीं होगा, वही आज हम इजीली वर्ड को पढ़ते पढ़ते उसको टाइप कर पा रहे थे। बस फिर 12 आवर और 36 मिनट की प्रैक्टिस के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। 72 72 72। तो हमने अभी 72 का मार्क हिट किया, तो ये चेक करने के लिए कि कहीं ये तुक्का नहीं था, हम फिर से एक बार और ट्राई करेंगे। Yes. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि अगली स्किल हम क्या सीखें।
तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।